हेलो फ्रेंड्स, सुनास किटू चैनल में आप सबका स्वागत है। आज आपके साथ शेयर करेंगे फ्रेंड्स, देखिए ये लेगेट पर्दे का नेक्स्ट पार्ट, जो कि यहाँ पे देखिए हमने पूरा इसको बना करके फुल कंप्लीट कर लिया है। देख सकते हैं इसका डिज़ाइन आप लोग, बहुत ही प्यारा बन के ये कंप्लीट हुआ है। फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे आप लोग फ्लावर स्टिच करना चाहते तो यहाँ फ्लावर भी स्टिच कर सकते हैं। एंड ये देखिए हमने यहाँ पे इस टाइप में इसको स्टिच कर दिया, जिससे कि ये लटक जा रहा था ना, आपको दिखाते हैं जिस तरीके से हमने एक अभी इनकम्प्लीट छोड़ा है आप लोग के लिए। देखिए जैसे कि ये है लटक जा रहा है इस तरीके से, खड़ा करने पे देखिए उतना अच्छा शेप नहीं आ रहा है ना, और देखिए इस तरीके से स्टिच करने पे इसका फाइनल लुक देखिए कितना प्यारा आ रहा है, देखिए है ना। अब यहाँ पे कोई फ्लावर आप स्टिच करना चाहते हैं तो यहाँ पे आप कोई फ्लावर भी स्टिच कर सकते हैं, इसलिए देखिए इस तरीके से हमने इसको स्टिच कर दिया है, ठीक है। अब फ्रेंड्स ये फाइनल कंप्लीट हो चुका है। अगर आप यहाँ पे पम फ्लावर स्टिच करना चाहते हैं एक स्किप करके तो आप कर सकते हैं, ठीक है, अगर आपके पास फूल बचा है तो, वरना कोई बात नहीं है। अभी इसको हम टक करके भी दिखा देंगे वॉल पे कि किस तरीके से इसका फाइनल लुक आ रहा है, ठीक है। फिलहाल जो अभी ये इनकम्प्लीट है इसको कंप्लीट करके आपको दिखा देते हैं। आज ये हमारा एकदम कंप्लीट हो गया, अब इसका कोई नेक्स्ट पार्ट नहीं है फ्रेंड्स, पूरा हमने बना करके कंप्लीट कर लिया, ठीक है। तो बने रहिए वीडियो के एंड तक, चलिए फिर स्टार्ट करते हैं, देख लेते हैं किस तरीके से इसको हम बना करके कंप्लीट करेंगे, है ना। करने के लिए देखिए हमने ग्रीन कलर का थ्रेड का यूज़ करना है, ठीक है, देख सकते हैं आप लोग, और सिंपल एक नॉट लगाना है। जिस तरीके से आप लगाते हूँ लगा लीजिएगा, जिस तरीके से मैं लगाती हूँ लगा लेती हूँ, ठीक है। और क्रोचेट हुक हमारा वही है देखिए 8 नंबर का, देख सकते हैं आप लोग, जो कि हमेशा यूज़ करते हैं। एंड फिर देखिए यहाँ से धागे को टाइट करेंगे, और ये देखिए यहाँ पे हम देख लेंगे इसको इस तरीके से बराबर करते हुए जाना है, ठीक है। और देखिए यहाँ से इसको इस तरीके से करेंगे, और यहाँ पे देखिए बीचों बीच से यहाँ पे स्टिच करेंगे इसको, ठीक है। धागे को यहाँ स्टिच करना है इस तरीके से, है ना। फिर वहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 का चेन बनाएंगे, एंड फिर इसको इस तरीके से देखेंगे, देखिए एकदम बीचों बीच में आना चाहिए फ्रेंड्स, है ना। और इसको देखिएगा कि मतलब कहीं सिकुड़न ना हो, एकदम अच्छी तरीके से एडजस्ट हो जाना चाहिए, वरना ये बेकार लगेगा, है ना। फिर देखिए यहाँ पे हम देख लेते हैं, तो यहाँ पे 10 पे सही है, एक और ले लेते हैं चेन 111। अब ये भी एकदम बीचों बीच में लेके आना है फ्रेंड्स, ठीक है। और देखिए यहाँ पे इस तरीके से नॉट लगा लेना है, देखिए इस तरीके से नॉट लगाएंगे, फिर 1 2 3 4 5 6 7 9 10 11 चेन लेना है। एंड फिर यहाँ पे जस्ट इसके बगल वाले में यहाँ पे स्लिप स्टिच से इसको ज्वाइंट करके थ्रेड को कट कर देंगे। आप चाहते हैं तो थ्रेड को आगे बढ़ा सकते हैं, ठीक है, चेन लेते हुए, लेकिन फिलहाल हम यहाँ पे कट करेंगे कैंची की सहायता से, इसको कट कर देंगे ये देखिए, ठीक है। अब यहाँ पे दिखा देते हैं आपको, ये देखिए इस तरीके से कट करेंगे, बाद में हम दोनों थ्रेड्स को जोड़ के धागे को कट करेंगे, पहले देख लेते हैं इसको कि कहीं झोल तो नहीं दे रहा है, देखिए एकदम सही है, बीचों बीच में एकदम बन गया है ना इस तरीके से। अब देखिए फिर यहाँ से एक और स्टार्ट करते हैं, फिर सेम वही प्रोसेस, 3 इधर होना चाहिए 3 इधर होना चाहिए, बीच में 7, ठीक है। फिर देखिए यहाँ से फिर से स्टार्ट करेंगे थोड़ी दूरी पे, यहाँ से एक यहाँ से, अब यहाँ से भी हमको स्टार्ट करना है, स्लिप स्टिच लगाना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 का चेन लेना है, 111 देख लेते हैं यहाँ तक पहुँच जाएगा तो ठीक है। देखिए इधर से थोड़ा स्पेस ज़्यादा लगेगा, इसको इस तरीके से टाइट रखना है ना, ये देखिए इस टाइप में, ये देखिए इस तरीके से, और यहाँ देखेंगे कहाँ पे ये आ रहा है, ये यहाँ पे आ रहा है ना, ये देखिए इसको सीधा रखते हुए देख लेंगे यहाँ पे आ रहा है, तो एक चेन और बना लेते हैं इसमें, सही तरीके से फिर ही स्टिच करिएगा, ठीक है, नहीं तो वो सही नहीं बैठेगा फ्लावर इसका। ये देखिए इसको टाइट करेंगे और इसको भी टाइट करेंगे इस तरीके से देख लेंगे, है ना। तो यहाँ पे देखिए इस जगह पे ये आ रहा है यहाँ पे, तो यहाँ से थ्रेड को निकाल लेंगे, है ना, देखिए बहुत ध्यान से देखिएगा, यहाँ से थ्रेड को निकाल लेंगे इस तरीके से, फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 का चेन लेंगे, फिर नेक्स्ट यहाँ पे ला करके स्लिप स्टिच से इसको ज्वाइन करके धागे को कट करेंगे, ठीक है। यहाँ पे धागे को कट कर देते हैं, देखिए फिर यहाँ भी हमने इसको स्टिच कर लिया, देख सकते हैं आप लोग यहाँ पे, है ना। फिर यहाँ भी हमें एक और यहाँ से यहाँ स्टिच करना है, ठीक है, इधर 2 स्टिच करने, तो इसी तरीके से सारा स्टिच करना है, तो स्टिच कर ले। फिर देखिए थ्रेड में ऐसे नॉट लगाएंगे, है ना, फिर यहाँ पे नॉट लगाएंगे, एक साइड का आपको हम पूरा बता देते हैं, नेक्स्ट हम आपको पूरा फुल कर कंप्लीट करके दिखाएंगे, ठीक है। देखिए यहाँ पे देखिए यहाँ पे फिर से स्टार्ट करेंगे, ठीक है, थोड़ी दूरी पर इधर यहाँ से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। फिर धागे को इस तरीके से निकालना है, फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 का चेन लेना है, एंड फिर इसको देख लेते हैं फ्रेंड्स कि यहाँ तक सही से पहुँचा है या नहीं, ठीक है। यहाँ पे देखिए आ गया है एकदम, है ना,
सही से आ गया ना। अब यहीं पे हम देख लेंगे इसको और यहाँ पे हम इसको सिंपल स्टिच कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे स्टिच करेंगे, ठीक है। इस तरीके से स्टिच करके धागे को यूँ निकालना है, फिर यहाँ पे एक नॉट लगाना है, फिर यहाँ से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 11, 12 का चेन लेना है एंड यहीं पे ला करके देखिए यहाँ पे स्लिप स्टिच से इसको हम ज्वाइंट कर लेते हैं, ठीक है। ज्वाइंट हो गया यहाँ पे, अब कट करेंगे धागे को। अब वन साइड का हमने बना लिया है हाफ, वन साइड और बचा हुआ है देखिए, ठीक है। अभी हम इसको बना करके पूरा फुल करके आपको दिखाएंगे, फिलहाल अभी हम इसको कंप्लीट कर लेते हैं। देखिए अब इतने दूरी पे हमने इसको बना लिया। अब यहाँ पे एक और बनेगा, यहाँ से इसको टाइट रखना है एंड यहाँ से इसको दो इधर भी बनाने हैं, तो बना लेते हैं फिर आपको दिखाते हैं, ठीक है। क्योंकि इसको हमको टक करके भी आपको दिखाएंगे इसका फाइनल लुक कि कैसा लगता है बनने के बाद, ठीक है। आप देख सकते हैं, ये देखिए यहाँ पे हमें लेना है थ्रेड को और यहाँ पे देखिए बीचों बीच में निशान लगाना है और धागे को इस तरीके से खींच के निकालेंगे। फिर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 का चेन लेना है, ठीक है। एंड देखिए यहाँ पे फिर ला के स्लिप स्टिच लगा देंगे यहाँ पे, ठीक है ना। देख सकते हैं आप लोग यहाँ पे स्लिप स्टिच लगाएंगे एंड यहाँ से फिर हम टर्न हो जाएंगे। देखिए यहाँ से स्लिप स्टिच लगाना है एंड फिर यहाँ से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, ठीक है। 11 के बाद नेक्स्ट 12 का चेन लेना है एंड फिर यहीं पे लाके नेक्स्ट वाली चेन में यहाँ पे इसको स्लिप स्टिच से ज्वाइंट करेंगे एंड धागे को कट करेंगे, ठीक है। तो इसी तरीके से नेक्स्ट वाला भी बना लेते हैं, फिर आपको दिखाते हैं, ठीक है। एंड टक करके भी आपको दिखाना है। देख सकते हैं आप लोग, हमने यहाँ पे पूरा स्टिच कर लिया है। देख सकते हैं जो ये थ्रेड्स दिख रहे होंगे ना आपको, यहाँ पे देखिए यहाँ पे नॉट लगा लेने हैं, ठीक है। यहाँ पे 2 या 3 का आप जितने का नॉट लगाना चाहते हैं नॉट लगा लीजिएगा और नॉट लगाने के बाद थ्रेड को कट कर देना है, ठीक है ना। यहाँ से देखिए इस तरीके से सारे जितने भी आपको थ्रेड दिख रहे होंगे ना सबको इसी तरीके से नॉट लगाना है, ये देखिए। और नॉट लगाने के बाद थ्रेड्स को हम कट कर देते हैं, ठीक है। देखिए फिलहाल आपको दिखा देते हैं, हम कट करके थ्रेड्स को भी इस तरीके से ऐसे कट कर देंगे तो फिनिशिंग आ जाएगी काफ़ी अच्छी, ठीक है ना। तो इस तरीके से सारे कट कर देने हैं और इसी तरीके से सारा स्टिच कर लेते हैं, तो फिर दिखाते हैं आपको इसका फाइनल लुक, ठीक है। देख सकते हैं आप लोग, हमने यहाँ पे स्टिच भी कर लिया, देख सकते हैं कितना प्यारा लग रहा है एंड धागों को भी हमने कट कर लिया, ठीक है ना। और ये देखिए सारे पम फ्लावर्स भी हमने पिछले वीडियो में कम्प्लीट करना बता दिया है आपको, उस तरीके से आप देख करके कम्प्लीट कर लीजिएगा। तो देखिए इसका 1 पार्ट है, ठीक है, ये 2 पार्ट है इसका एंड ये 3 पार्ट है और 3 के 3 हमने तीनों ही कंप्लीट कर लिए हैं। आप अगर आप चाहते हैं इसको अच्छा और अच्छा बनाना तो यहाँ पे आप रोज़ फ्लावर स्टिच कर लीजिएगा या पम फ्लावर ही बड़े साइज़ का बना करके यहाँ पे आप इसकी मतलब सॉरी यहाँ पे लगा लीजिएगा तो बहुत अच्छा लगेगा, ठीक है। चलिए इसको हम इसका फाइनल लुक दिखाते हैं आपको, यहाँ से आप भी देख सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से भी देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है फ्रेंड्स, है ना। 3 पार्ट्स इसके कंप्लीट हो गए। चलिए इसको हम अभी आपको वॉल पे टक करके दिखा देते हैं इसका फाइनल लुक कैसा लगता है पूरा ये गेट पर्दे का डिज़ाइन बनने के बाद। देख सकते हैं इसका फाइनल लुक, यहाँ पे देखिए हमने इसको टक करके रखा हुआ है, देख सकते हैं आप लोग। देखिए कितना बड़ा सा और बहुत प्यारा सा ये बन के कम्प्लीट हुआ है, देख सकते हैं आप लोग। ये झालरें इसकी कितनी खूबसूरत लग रही हैं, ठीक है। ये डिज़ाइन भी एकदम यूनिक डिज़ाइन है, ये देखिए पूरा हमने इसको टक कर दिया है, देख सकते हैं आप लोग इसका फाइनल लुक। ये देखिए कितना प्यारा लग रहा है, 3 पार्ट्स में हमने इसको बना करके कंप्लीट किया है, देखिए बहुत ही प्यारा बहुत ही सुंदर सा डिज़ाइन है फ्रेंड्स। तो आप लोग एक बार ट्राई ज़रूर करिएगा, ठीक है, और कमेंट करना मत भूलिएगा कि कैसा लगा ये आपको गिट पर्दे का न्यू डिज़ाइन, ठीक है। और जहाँ आप लोग को समझ में नहीं आएगा आप लोग कमेंट करिएगा। हमने बताया आपको कि बीच में आप फ्लावर यूज़ कर सकते हैं, रोज़ फ्लावर या फिर कोई भी सिंपल पम फ्लावर भी लगा सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। वो आपके ऊपर डिपेंड है, फिलहाल अभी हमने कुछ लगाया नहीं है, पूरा हमने आपके साथ ये शेयर कर दिया, ठीक है, कि कैसा लग रहा है ये देखिए गेट पर्दे का डिज़ाइन पूरा ये बनने के बाद, एकदम यूनिक डिज़ाइन है फ्रेंड्स। तो आज की वीडियो में बस इतना ही फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आती है तो लाइक शेयर कमेंट कर दीजिए, चैनल पर नए होंगे तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा एंड बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि मेरी आने वाली नई नई वीडियोस की नोटिफिकेशन आप लोग को टाइम टू टाइम मिलती रहे। मिलते हैं किसी नए वीडियो में कुछ नया लेकर। थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय एंड टेक केयर।